सभी देशवासियों को मैं विजय बहन मोहल्ला गोपालगढ़ जगीना गेट सभी को जय श्री कृष्ण कहती हूँ। और मैं इस भजन के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि पुलिस वालों ने जो इतनी अपनी बड़ी भागीदारी निभाई है, अगर पुलिस इतना कठोर कदम नहीं उठाए तो हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती। जैसे बच्चे के फोड़ा हो जाता है सिर में, तो माता अपना कर्रा दिल करके उस बच्चे को सिर पकड़ के उस पर चीरा लगवाती है और बच्चा रोता है, चिल्लाता है, माँ को मारता है, गाली भी देता, फिर भी माँ उसको चीरा लगवाती ही है उसके। क्यों? कि उसे पता है कि जब तक चीरा नहीं लगेगा तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी, जब तक ये रोग से मुक्त नहीं होगा। ऐसे ही पुलिस ने भी वो काम किया है कि लोग अपने स्कूटरों पर, मोटरसाइकिलों पर बाहर जा रहे हैं, अगर नहीं मानते हैं तो डंडे का भी उपयोग कर रही हैं। हाँ, इसका मतलब डंडा जब मारती हैं तो आप रोते हो, चिल्लाते हो, गाली देते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जैसे माँ अपने पुत्र की सुरक्षा करती है, इसी प्रकार से पुलिस भी अपने बच्चों की तरह आपकी सुरक्षा कर रही है। क्या माता डंडा नहीं मारती जब आप गलत काम करते हो? तो क्या पिता डंडा नहीं मारते? आज पुलिस वालों ने भी माँ की तरह, पिता की तरह हमारी सुरक्षा के लिए हमको ये कड़ा कदम उठाया। इसलिए आप पुलिस वालों का सहयोग करें, पुलिस वालों का विशेष सहयोग करें, जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें। आज हमारी जान है तो जहान है, और जब जान ही नहीं रहेगी तो फिर ये जहान भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए आइए, मैं पुलिस वालों के लिए दो लाइन आपको सुनाती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छी भागीदारी निभाई है। जय श्री कृष्ण, टूटे फूटे शब्दों में, क्योंकि वाणी में इतना दम नहीं है, तो फिर भी आपको मैं टूटे फूटे शब्दों में पुलिस वालों के लिए आपको ये भजन सुनाती हूँ, दो लाइन का। मेरी बात सुनो भैयो, मेरी अर्जी सुनो भैयो, कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी है, सबसे दूर तुम रहना यही सुरक्षा है। मेरी अर्जी सुनो भैयो, देखो सारे देशों में मची तबाही है, सभी यही सोच रहे इसकी क्या दवाई है, घर में ही तुम रहना, हाँ घर में ही तुम रहना, देखो यही दवाई है, कोरोना कोई रोग नहीं, ये तो महामारी है, कोरोना वायरस है। पुलिस वालों के लिए टूटे फूटे शब्दों में, देखो पुलिस वालों को तुम्हारी जान ही प्यारी है, लेकिन उनकी परवाह हमको नहीं आती है, जरा सोचो अल्लाह के बंदे, जरा सोचो अल्लाह के बंदे, पुलिस भी इंसान है, उनके भी बच्चे हैं, उन्हें जान भी प्यारी है। मेरी बात सुनो भैयो, और पुलिस वालों के लिए ही उन जरा सोचो अल्लाह के बंदे, पुलिस भी इंसान है, उनके भी बच्चे हैं, उन्हें भी जान प्यारी है, कोरोना
वायर समझो, कोई रोग नहीं बंदे, कोरोना महामारी अपने घर में रहो बंदे, हे कोरोना रोग नहीं। और दिन में दो बार तुम गर्म पानी ही पीना और फ्रिज की वस्तु से तुम दूर ही रहना, कोरोना से बच जाओगे। बाहर मास्क लगा के जाना, कोरोना कोई रोग नहीं, कोरोना महामारी है, कोरोना से दूर रहो। आगे तुम देखो विदेशों को तो दिल दहल जाएगा, जरा सोचो भारतवासी ये हालत होनी है, मोदी जी की बात रखो, मोदी जी की बात रखो, उनकी सबसे विनती अपने घर में रहना, हाँ कोरोना वायरस है। देखो दिन रात डॉक्टर, अरे नींद से नहीं सोते, तुम्हारी चिंता में खुद को भी खो बैठे, वो धन है डॉक्टर को, वो धन है डॉक्टर को, जिन ऐसी निशानी है सेवाही सबकी, प्रभु की सेवा है, सेवा धर्मो परम धर्म, सेवा धर्म ही परम धर्म है। तो परम किसे कहते हैं? गीता में लिखा है भगवान कृष्ण से अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे, तो पहले प्रश्न में उन्होंने पूछा था किम ब्रह्मा, ब्रह्म किसे कहते हैं, तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया अक्षरा परम ब्रह्मा, कि जहां पर परम अक्षर लग जाता है, परम परम ही ब्रह्म है, जैसे परमात्मा परमेश्वर परम सुख, हाँ परमेश्वरी, जहां पर परम लग जाता है वही ब्रह्म है। तो ये सेवा धर्मो परम धर्म, यानी सेवा धर्म ही ब्रह्म की सेवा है, क्यों कि प्रत्येक जीव के अंदर वही परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।